Hello students, this is Atma Verma. Today we are going to discuss some more designs. General English की आज की क्लास में हम कुछ छोटे छोटे designs देख रहे हैं. Translation method है students हमारा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. तो आज का देखिएगा, आज का जो हमारा first design है वो ये है कि आपके सामने जो sentence है, आपके सामने जो sentence writing की form में है, आप ऐसा कोई सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं, ये आपकी ऊपर है. अब इस सेंटेंस में क्या है कि जो सेंटेंस की वर्ब है यानी कि क्रिया है, जैसे खाना पीना सोना रोना धोना, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, इनके साथ में ये वर्ड आ गया दो. मुझे पढ़ने दो, उसे जाने दो, हमें यहां बैठने दो. दो भी आ सकते हैं, दीजिए भी आ सकता है. उसे पढ़ने दीजिए, उसे खाने दीजिए, हमें यहां बैठने दीजिए, उसे गाना गाने दीजिए, ये भी आ सकते हैं. तो वर्ब के साथ में ये चीज आ रही है, और अगर वर्ब ना हो खाली ये हो तो फिर आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा. समझिएगा, उसे पेन दो, मेरे पास पेन है और मुझे किसी ने कहा कि उसे पेन दो, आपके पास एक बुक है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई उसे बुक दो. तो यहां पे देखो, दो शब्द जो आया है उससे जस्ट पहले कोई वर्ब नहीं आई, ये तो ऑब्जेक्ट आ गया. हमारा जो पैटर्न है वो क्या कह रहा है, वर्ब आपकी अलग है, उसके साथ में ये एक एडिशनल वर्ड है, उससे जुड़ा हुआ शब्द है, उसे पढ़ने दीजिए. पढ़ना वर्ब होगी कि नहीं, उसके बाद में एडिशनल वर्ड आपका दो या दीजिए आ गया. अगर सीधा ही आपकी वर्ब की फॉर्म में आ जाए, उसे पेन दो, उसे पेन दो, मुझे किताब दो, तो यहां पे दो या दीजिए खुद एक वर्ब है, तो अपने गिव का यूज कर देते हैं, गिव मी ए बुक, गिव मी ए पेन, है ना. लेकिन यहां पे आप देखिएगा, ये दो या दीजिए जो है वो वर्ब के साथ में आया है, उसे जाने दीजिए. तो इसका पैटर्न क्या होगा, इसका डिजाइन देखिए क्या होगा, आपको लैक का यूज करना है, लैक, ठीक है, ये समझ लीजिए. वैसे तो क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि जब सब्जेक्ट सामने होता है तो अपन बोलते हैं ना गो फ्रॉम हियर, है ना, गो गेट आउट. उसी तरह से अगर अपन किसी को कोई रिकमेंड कर रहे हैं, है ना, तो एक परमिशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे लेट, लेट का मतलब होता है टू गिव परमिशन, है ना, कि अपन किसी को परमिट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं. तो अपने व्यक्ति ज्यादा लाइफ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा से ये समझिएगा कि वर्ब के साथ में ये दो शब्द आ गए, चाहे लिखा हुआ है ट्रांसलेशन करनी है या आप कोई ऐसी कोई इंग्लिश पढ़ा रहे हैं जिसमें आपके मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं. तो यहां पे लेट के बाद में आपका आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अब सब्जेक्ट देखिएगा, सब्जेक्ट अगर आई है तो उसकी जगह मी लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर दे है तो उसकी जगह डैम लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर वी है तो उसकी जगह अस लिख देंगे, सब्जेक्ट अगर ही है तो हिज लिख देंगे, हिम लिख देंगे, ठीक है. सब्जेक्ट अगर शी है तो हर लिख देंगे. तो एक तो अपने को ये चीज याद रखनी है, और एक अपने को लेट याद रखना है, बस सीधी सी बात है. अब आप देखो, उसे जाने दो, उसे जाने दो, बड़ी सिंपल इंग्लिश है. तो देखो यहां पे देखो, ये वर्ब आ गई और ये दो, तो ये हमारा डिजाइन याद रहेगा. अब ऐसी सिचुएशन में देखो, फॉर्मूला क्या है, लेट, तो आपने क्या लगा दिया, लेट. अब उसे मान लो कि वो लड़का है, तो उसे के लड़के के लिए क्या आएगा, ही, अपन ही नहीं लगा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिम. तो यहां पे हो जाएगा लेट हिम. अब यहां पे कोई टू नहीं आ रहा, सीधी क्या है फॉर्मूले में, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो लेट हिम गो. और अगर आप लड़की की बात कर रहे हैं तो यहां पे लड़की के लिए शी आना चाहिए ना, हम क्या करेंगे, हर. बस इतने से वर्ड्स आपको याद रखने हैं. अगर कोई नेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम का क्या रह जाएगा, मैंने रह जाएगा, जैसे राम को जाने दो, तो क्या आएगा, लेट राम गो. मुझे जाने दो तो मुझे इंग्लिश क्या होगी, आई, और आई के लिए क्या लगाएगी, मी, तो लेट मी गो. हमें यहां बैठने दो, हमें यहां बैठने दो, तो क्या आएगा, लेट और वी, हमें इंग्लिश भी होनी चाहिए, उसी क्या लगाएंगे, अस, तो लेट अस सिट हियर. देखो कितनी इजी है.
तो पहले आपको लेट का यूज करना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ब के साथ में दो या डीजी वर्ड आया है। फिर आपको ये ध्यान में आने कि यार तो लेट वाला था, तो लेट वाला में आई है तो वी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। उन्हें बाढ़ में जाने दो, बोलते हैं कई बार दूसरे उन्हें बाढ़ में जाने दो, तो क्या होगा भाई फॉर्मूले में पहले क्या देगा, लेट आ जाएगा, उन्हें दे होना चाहिए ना, देगा क्या देगा देम। Let them जाने का मतलब वो let them go to hell है ना, let them go to the hell। तो इसका मतलब ये हुआ हमें सिर्फ इस पैटर्न का, इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। हम मान लीजिए कोई छोटा मोटा कंपटीशन हो आपका और उसके अंदर जो है वो let के बाद में उन्होंने I का यूज किया है, तो आपको पता लग गया यहाँ पे let के बाद में I का तो यूज होगा ही नहीं, क्या होगा आई की जगह मी का। लेट के बाद में उन्होंने अगर ही का यूज कर दिया तो आपको पता लग जाएगा लेट के बाद में क्या यूज होना चाहिए, हिम का यूज होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा यहां पे आपको एक अपना माइंड अप्लाई करना है कि अगर दे वर्ड आना चाहिए तो दे नहीं आएगा, देम आएगा। एक आपका ये पैटर्न हो गया। अब आप दूसरा पैटर्न देखिएगा, अगर हमारा सेंटेंस हो जिसके अंदर ये आ जाए शब्द आओ, ठीक है, सजेस्टिव सेंटेंस है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करोगे ना तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, कंपटीशन में कई बार पूछा हुआ है। अगर आओ शब्द आपका हिंदी में है तो अपन किसी के सामने कोई सजेशन क्रिएट कर रहे हैं एक तरह का, है ना, उसके अंदर आपकी खुद की इच्छा भी इंक्लूड है, आओ खेले, है ना, आओ पढ़े, आओ देश के बारे में सोचे, बोलते हैं ना इस तरह के सेंटेंस, बोलते भी है और लिखते भी है। तो आपको तो ये ध्यान में रखना है कि अगर ये सेंस आ रहा है ना तो इस इंग्लिश होगी लेट्स। अब यहां पे मैं थोड़ी सी बात, क्योंकि जो स्पीकिंग इंग्लिश का पार्ट है ना हमारा, उसके अंदर बच्चों कभी भी जो है वो लेट अस नहीं लिखते, उसी का क्या लिखते हैं, लेट्स लिखते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा ग्रामेटिकली देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, समझिएगा इस बात को। पहले मैं इस पे आ रहा हूं, तो आओ अगर इस तरह का सेंटेंस हो ऑब्वियसली बात है बाद में वर्ब तो आएंगे कि आओ खेलने, तो अगर आपका आओ शब्द आ गया तो लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैटर्न है। आओ अंग्रेजी पढ़े, आओ अंग्रेजी पढ़े, तो क्या हो जाएगा लेट्स, ठीक है, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है रीड, लेट्स रीड या स्टडी क्या इंग्लिश, ये आपकी इंग्लिश होगी। लेट्स रीड इंग्लिश, आओ अंग्रेजी पढ़े, आओ क्रिकेट खेलें, क्या इंग्लिश होगी, लेट्स प्ले क्रिकेट, सिंपल सी बात है। तो अब यहां पे ये आप देखिएगा, क्योंकि जब मैं ये कहता ना आओ खेलें तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी खेलना चाहता हूं और सामने वाले भी खेलना चाहते हैं, तो सेंस क्या है आई का या वी का, वी का सेंस होगा ना, तो इसका मतलब जहां पे वी का सेंस होता है वहां पे अपन क्या यूज करते हैं लेट में, अस यूज करते हैं, लेट में क्या यूज करते हैं अस यूज करते हैं वी की जगह। लेकिन यहां पे ये जो अस है ना इसको यू यू एस लिखने के बजाय apostrophe s लगा देते हैं, तो इसको बोला जाता है लेट्स, होता है वही लेट अस है लेकिन इसको क्या बोला जाएगा लेट्स, और लिखा भी क्या जाएगा लेट्स। अब आपके सामने एक सेंटेंस है, हमें यहां बैठने दो, हमें यहां बैठने दो, आप किसी से परमिशन मांग रहे हो हमें यहां बैठने दो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला ये वो वाला, हमें यहां बैठने दो, देखो बैठने के बाद में दो या दीजिए आगे, तो ये वाला पैटर्न अप्लाई होगा। तो इंग्लिश क्या आएगी, लेट अस सिट हियर, होगी इंग्लिश लेट अस सिट हियर, ठीक है, जल्दी समझिएगा, हमें यहां बैठने दो। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, इस लेटस की जगह कुछ ये वाला लेटर्स लिख देते, अब बताओ इसके अंदर क्या हो गया, सोचो, अब लेट्स लगा दिया तो इसका मतलब ये वाला हो गया। अब हिंदी में एक लाइन तो ये है कि हमें यहां बैठने दो, और एक लाइन ये है आओ बैठे, तो अगर आपको लिखना तो ये है कि हमें यहां बैठने दो और आपने उस लेटर्स की जगह ये वाला लेट्स लगा दिया, मीनिंग चेंज हो गया जी, तो समझिएगा इसको, अगर हमारा हम लगाते हैं लेट अस तो डिफरेंट सेंस जाएगा, और अगर हम लगाते हैं लेट्स तो डिफरेंट सेंस जाएगा। अब ये चीज अगर आपको अच्छे से समझनी है तो आप ऑक्सफोर्ड की जो एडवांस लर्नर डिक्शनरी है उसके अंदर आप देख सकते हैं।
थॉमसन मांडेलन की अगर आप बुक अगर देखना चाहें तो आप उसमें देख सकते हैं। अदरवाइज जनरली किताबों के अंदर तो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते, पीछे आप लेट्स लगा दो चाहे लेटर्स लगा दो, लेकिन देखो जमीन आसमान का फर्क है। तो समझिएगा हमें पढ़ने दो, लेट अस स्टडी, आओ पढ़े, लेट्स स्टडी, आओ पढ़े में आपका ये लेट्स आ जाएगा, और अगर हमें वर्ब वाली अगर वो आ जाए तो आपका लेट अस आ जाएगा, बाकी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को रहती है, तो देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए उसके बाद देखिएगा कुछ नया पैटर्न आपको बनाऊं। देखिए कई बार हमारे पास एक सेंटेंस आ जाता है कि आपकी जो वर्ब है उसके साथ में ये वर्ड आ गया चाहूंगा, ठीक है, जो वर्ब है आपकी उसके साथ में ये वर्ड आ गया चाहूंगा, मैं यहां बैठना चाहूंगा, मैं आपके साथ घूमने घूमना चाहूंगा, मैं आपके साथ दिल्ली चलना चाहूंगा। कई बार कोई गेस्ट आता है अपने उससे पूछते हैं क्या आप चाय पीना चाहेंगे, है ना, बहुत इस तरह के हजारों सेंटेंस अपन बोलते हैं। तो यहां पे ग्रामर में हम क्या पैटर्न यूज कर सकते हैं, तो समझिएगा इस बात को, ग्रामर में यहां पे क्या पैटर्न आपका यूज होगा। तो देखिएगा इस तरह के सेंटेंस में क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है, उसके बाद में आपको वुड लाइक टू और फर्स्ट यूज करना है, बहुत इजी है, बहुत इजी। और फिर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। अब आप सेंटेंस सोचिए, देखिएगा मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, मैं यहां बैठना चाहूंगा, क्या आप चलना चाहेंगे, क्या आप कॉफी पीना चाहेंगे। तो यहां पे लिखिएगा भाई अपन पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, कोई इंटरोगेटिव की बात है, नेगेटिव की बात नहीं करते। तो मैं यहां बैठना चाहूंगा, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, उसके साथ में क्या लगा दो, वुड लाइक टू सिट हियर, आई वुड लाइक टू सिट हियर, तीज इंग्लिश है ना। अब मैं चाय पीना चाहूंगा, देखो अपन इसको ट्रांसफॉर्मेशन में जब जाएंगे तो अपने वो इसको प्रेजेंट सिंपल में भी बना सकते हैं, मैं चाय पीना चाहूंगा इसका मतलब क्या है, मैं चाय पीना चाहता हूं, आई वांट टेक टी। लेकिन अपन वो चीज तो सीख ही लेंगे टेंस के हिसाब से, तो लेकिन अगर कहीं आपके सामने ये वुड लाइक लिखा हुआ आ गया तो क्या मतलब होगा, तो अपने को तो हर चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम वुड लाइक तो ये भी कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके उस प्रेजेंट सिंपल की, कि मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं, समझिएगा, और मैं ये साहब मैं पढ़ना चाहूंगा, तो कहीं ना कहीं एक मेरी एक इच्छा है, एक बड़ी पोलाइट सी मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई वुड लाइक टू स्टडी, आई वुड लाइक टू स्टडी, मैं आपकी सहायता करना चाहूंगा, मैं यू भी तो कह सकता हूं ना कि मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। तो बात तो एक ही है, बस थोड़ा सा सेंस में फर्क पड़ जाता है, एवं पोलाइटली अगर ऐसी बात करना चाहते हैं तो क्या आएगा, आई वुड लाइक। तो अगर आप इसको प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से बनाएंगे तो आपको एग्जामिनर को थोड़ी पता लगेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो आपको ही पता है कि आप क्या लिख रहे हो। लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं और वहां भी ये चीज आ गई तो मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिएगा अपन यहां पे वुड लाइक टू फर्स्ट, बस ये हमारा डिजाइन है। अब अगर ये इंटरोगेटिव हो तो ऑब्वियस सी बात है वुड आपका आगे आ जाएगा। तो अगर आपके कोई गेस्ट आ गए और आप उससे पूछेंगे कि सर आप चाय पीना चाहेंगे, तो कैसे कहेंगे, वुड लाइक टू टेक टी, वुड लाइक टू टेक टी, वुड लाइक टू ज्वाइन मी, क्या मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे। तो इस तरह का आपका ये फॉर्मूला है वुड लाइक टू फर्स्ट। यहां पे एरर देखिए बच्चों क्या आ जाती है, कई बार वुड लाइक फर्स्ट आ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा वुड लाइक के बाद में टू जो है वो आपका आएगा ही आएगा।
तो ये आपका एक डिजाइन हो गया वुड लाइक टू फर्स्ट। देखो जब एक्टिव पैसिव का अपन पार्ट करेंगे ना तो एक बार फिर सारे के सारे मैं आपको ये रिवाइज कराऊंगा। तो एक तो मैंने आपको अब देखिएगा एक पैटर्न हमारा और है जिसमें क्रिया के साथ में ये शब्द आ जाएगा या करता था, जैसे वह घर घर जाया करता था, वह जल्दी सो जाया करता था। मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हो और इस तरह का सेंटेंस आप शो कर रहे हो जो पास्ट में किसी पर्सन की हैबिट बता रहे हैं। वह घर घर जाया करता था, वह जल्दी सो जाया करता था, वह पैदल गांव जाया करता था। मतलब आप ऐसी कोई एक्टिविटी बता रहे हो पास्ट की किसी पर्सन की जो वन बाय वन होती रहती थी, ठीक है। मतलब आप किसी की हैबिट की बात कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बच्चों हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू फर्स्ट और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट रहता आपका ऑब्जेक्ट, जैसे वह घर घर किताबें बेचने जाया करता था, वह घर घर किताबें बेचने जाया करता था। तो क्या इंग्लिश करेगी, देखो या करता था याद रहेगा, मतलब पास्ट की हैबिट है तो अपने को क्या यूज करना है, यूज्ड टू। तो देखिएगा ही यूज्ड टू गो, वह जाया करता था। अब किस लिए जाया करता था, किताबें बेचने। ही यूज्ड टू गो टू सेल बुक्स डोर टू डोर, डोर टू डोर। भाई ये चीज जो है ना ये तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएगी, मेरा जो पर्पस था वो सिर्फ आपको ये समझाना था। तो ही यूज्ड टू, तो अब अगर आपके सामने कोई पैसेज लिखा हुआ आया है और वहां पे यूज्ड टू तो है तो नहीं, अपने को पता है सेकंड फॉर्म में तो ऑब्वियसली बात है पास्ट सिंपल होगा, लेकिन इसका पर्टिकुलर सेंस क्या निकल रहा है पास्ट की एक हैबिट का। जैसे आई वेंट होम, मैं घर गया, आई वेंट होम मैं घर गया, तो यहां पर भी तो पास्ट है ना और सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर मैं घर गया इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपनी पास्ट की कोई आदत बता रहा हूं, और यहां पर भी सेकंड फॉर्म है यूज 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 सेकंड फॉर्म होगी नहीं। तो अब यहां पे अगर यूज्ड हमने यूज किया है वर्ड और उसके बाद में टू फर्स्ट आ गया तो आपका वो जो सिंपल पास्ट का जो सेंस है मैं घर गया या मैं घर जाता था वो सेंस आपका यहां नहीं लगेगा। ये अगर यूज टू फर्स्ट का अगर कहीं हमने सेंटेंस में अगर कहीं आ गया है तो इसका मतलब है कि हम किसी पर्सन की पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हैं। अब यहां पे अभी जो मैंने आपको पैटर्न करवाया था गुड लाइफ का उसके साथ में जस्ट बाद में मैं आपको बता रहा हूं इसके पीछे भी एक रीजन क्या कि अब ये जो यूज्ड टू वर्ड है ना बच्चों इसकी जगह आप वुड भी लगा सकते। अब आपको सर इसका लॉजिक क्या है, तो भैया लॉजिक कुछ नहीं है, किसी ने इस तरह के सेंटेंस को वुड में लिख दिया भाई कोई एक्सपर्ट आदमी रहा होगा और हमारे लिए वो एक रूल बन गया, बस आपने समझ लिया। तो अब अगर मैं ये कहूं कि यूज टू गो टू सेल बुक्स डोर टू डोर तो इसके अंदर इस यूज टू को हटा के समझिएगा, अगर इस यूज टू को हटा के मतलब ये पूरा ही हट जाएगा आपका और मैं यहां वुड का यूज कर लू, ही वुड गो। लेकिन यहां पे आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा, अगर आपका पैराग्राफ पास्ट टेंस में चल रहा है, अगर आपका पैराग्राफ ऑलरेडी पास्ट टेंस में चल रहा है और वहां पे वुड का यूज आ गया तो आप याद कर लेना कि ये वुड का यूज किसकी जगह हुआ है, यूज टू की जगह हुआ है। तो जब हम लिखते हैं तो बच्चों ज्यादातर यूज टू वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जब हम स्पीकिंग करते हैं डायलॉग राइटिंग करते हैं तो उसमें आपको ज्यादातर वुड का यूज मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि याद है कि वुड बहुत खतरनाक हो गया, आई वुड लाइक टू टेक की, तो ये तो कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट को शो कर रहे हैं। और अगर अपन बात करें वुड हेल्प मी, वुड हेल्प मी क्या आप मेरी मदद करोगे, ये आपके फिर अपन फ्यूचर में जब जाएंगे तो यहां भी ये फ्यूचर को शो कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिएगा ही वुड गो तो यहां पे इसका मतलब क्या आएगा, वह जाया करता था, लेकिन इस तरह के कभी इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं आएंगे।
कभी स्वतंत्र वाक्य नहीं आएंगे। अगर ये चीज आपको कहीं लिखी हुई दिखाई दे जाए तो आप ये देखिएगा कि वो जो पैराग्राफ है अगर वो पास्ट में चल रहा है तो आपको वुड का मतलब यूज टू लगाना है, अदरवाइज हो सकता है वुड आपका किसी और सेंस में आएगा। तो ये अगर आपको खुद कभी यूज करना हो तो आप यूज टू यूज कीजिए, लेकिन अगर यूज टू की जगह वुड लिखा हुआ आ जाए और वो आपका पैराग्राफ पास्ट में चल रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि भाई यहां पे वुड की किसकी जगह हुआ है, यूज टू की जगह हुआ है। तो समझ लीजिएगा इसको अच्छे से, अगर हम पास्ट की कोई आदत की बात कर रहे हैं तो यूज टू फर्स्ट यूज करेंगे, और अगर हम इस यूज टू की जगह वुड लगा रहे हैं तो भी हमारा सेंटेंस सही है। बस ये ध्यान रखिएगा वुड वही लगेगा जहां पे हम पास्ट की फॉर्मेशन में हैं, और इस यहां पे तो यूज टू फर्स्ट यानी कि टू अलग से है, वुड के बाद में अगर आपका टू नहीं आएगा ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यूज अकेला वर्ड नहीं है, यूज टू एक फ्रेज मान लीजिए इसको वर्ड, ठीक है, और यहां पे आपका वुड जो है वो अकेला है, इसके साथ में आपका टू नहीं आएगा। अब एक छोटा सा आपको पैटर्न और करवा दूं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है क्रिया प्लस ने पर या कर, ठीक है, तो ये इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ, मतलब इट कैन नॉट बी टर्म एज ए कंप्लीट सेंटेंस, ये पूरा वाक्य नहीं है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। जैसे अपन कई बार ऐसे बोलते हैं चाय पीकर मैं सो गया, चाय पीकर मेहमान आराम करने लगे, मुझे देखकर वह हंसने लगती है, होता है सेंटेंस है ना। तो क्रिया के साथ में या तो ने पर वर्ड आ जाए या कर आ जाए, चाय पीने पर मेहमान आराम करने लगे या चाय पीकर मेहमान आराम करने लगे, तो वो मेहमान आराम करने लगे द गेस्ट बिगन टू टेक रेस्ट वो अपन बाद में समझेंगे, मुझे देखकर वह हंसने लगती है, ठीक है, तो हैविंग सीन मी शी बिगिंस टू लव, वो जो अगला पार्ट है वो हम बाद में देखेंगे, सिर्फ हमें इस छोटे से पार्ट को समझना है। तो अगर इस तरह का वर्ड आपके पास में है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपके पास में है, तो बच्चों यहां पे आपको ही अप्लाई करना पड़ेगा हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझिएगा, चाय पीकर या चाय पीने पर एक ही बात है, तो इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर क्या आएगा, हैविंग टेकन टी, तो इट इज ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस, समझिएगा ये कोई पूरा वाक्य नहीं है, इस वाक्य का एक पार्ट है। अब इसका अगला वाक्य कुछ भी हो सकता है, भाई चाय पीकर वह पढ़ने लगती है, चाय पीकर वह गुस्सा हो गई, तो अगला जो पार्ट है वो डिपेंड करेगा एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, हमें तो सिर्फ इस पार्ट को समझना है। तो चाय पीकर हैविंग टेकन टी, अब देखो मुझे देखकर, मुझे देखकर तो हैविंग तो आपका फॉर्मूले का पार्ट है, तो हैविंग मुझे देखकर तो वर्ब क्या है देखना, तो हैविंग थर्ड फॉर्म आएगी सीन, हैविंग सीन किसे देखकर, मुझे, हैविंग सीन। और अगर कई बार इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन हो जैसे हाजिरी होने पर, हाजिरी होने पर बच्चे पढ़ने लगे, अब बताओ हाजिरी होने पर मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था, अब हाजिरी तो टीचर लेते ना, टीचर का तो यहां पर नाम ही नहीं है, कपड़े धोए जाने पर मैंने पैक कर दिए, कपड़े धोने पर या कपड़े धोए जाने पर मैंने पैक कर दिए, तो जरूर तो नहीं है मैंने धोया। तो इस तरह अगर यही स्ट्रक्चर आपको पैसिव वॉइस में पढ़नी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका हैविंग का हैविंग आ जाएगा और थर्ड का क्या आएगा, बीइंग थर्ड हो जाएगा आपका वही ऑब्जेक्ट। तो देखो हाजिरी होने पैसिव सीधे परीक्षा होने पर मैं परिणाम का इंतजार करने लगा, तो अपने को परिणाम का इंतजार करने लगा, ये बात की बात है, अभी सिर्फ समझना है परीक्षा होने पर, तो यहां पे क्या आएगा, हैविंग थर्ड के बजाय हम क्या यूज करेंगे, हैविंग
हैड द एग्जामिनेशन, या अपन ये भी कह सकते हैं हैविंग टेकन द एग्जामिनेशन, जो मर्जी आप वर्ब यूज कीजिए, हमें सिर्फ ये समझना है, यहां पे आपका बीन आ जाएगा, हैविंग बीन टेकन द एग्जाम, परीक्षा होने पर, परीक्षा दिए जाने पर। तो अगर एक्टिव वॉइस की फॉर्म में आ गए तो खाली थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इस चाय पीकर मेहमान आराम करने लगे, तो चाय तो मेहमानों ने पी होगी ना, तो सारा सारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। हाजिरी होने पर, परीक्षा होने पर बच्चे अगली क्लास की तैयारी करने लगे, है ना। तो यहां पर आपका पैसिव का अगर सेंस आ रहा है तो एक्टिव का सेंस हो तो हैविंग थर्ड, और पैसिव का सेंस हो तो हैविंग बीन थर्ड। तो बस इसको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर कहीं पे हैविंग आपका आ जाता है और उसके बाद में थर्ड फॉर्म आती है, या हैविंग के बाद में बीन थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका सेंस क्या निकलेगा। ये भी पार्ट ऑफ पार्टिसिपल है ना, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो अगले सेंटेंस में आप देखेंगे। अब सिर्फ आपको मेरा पर्पज जो था वो ये था कि अगर कई सेंटेंस में हैविंग लिखा हुआ आ गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके बाद कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, या अगर पैसिव वॉइस है तो बीन थर्ड आ रही है। क्योंकि आप देखिएगा जब हम टेंसेस करेंगे ना तो ये चीजें वहां क्लियर नहीं हो पाती कि सर यहाँ पे हैविंग क्यों लिखा हुआ आ गया, या सर आगे तो सेंटेंस कुछ और दे रहे हैं, ये पीछे इसने शुरू किया ये हैविंग थर्ड क्यों यूज कर दिया। जैसे मान लीजिए द गेस्ट बिगन टू टेक रेस्ट, मेहमान आराम करने लगे और उससे पहले क्या लिखा हुआ है, हैविंग टेकन टी। तो वो हैविंग वर्ड जो है वो क्यों आया है, वो आपका किस सेंस में आया है। तो दो बातें होगी, एक तो ट्रांसलेशन आपको समझ में आएगी भाई चाय पीने पर इसकी इंग्लिश क्या है, दूसरी आपको ये समझ में आएगी कि हैविंग यूज हुआ है तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, और अगर पैसिव का सेंस है तो बीइंग थर्ड फॉर्म। तो ये कुछ आज के डिजाइन थे बच्चों आपके, जैसे मैंने लेट का करवा दिया, लेटर्स का करवा दिया, है ना, फिर आपको वुड लाइक का यूज बता दिया, फिर आपको यूज टू या उसके जगह का कैसे वुड का यूज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, और एक आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा हैविंग थर्ड। मैं कोशिश करूंगा कि फोर क्लासेस जो है वो मैं जल्दी से जल्दी ले पाऊं, लो क्लासेस के पैटर्न की वजह से थोड़ी कम हो पाती है इंग्लिश क्लासेस, लेकिन वन बाई वन जो है वो हम हर चीज कवर करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप इंजॉय कर रहे हैं जनरल इंग्लिश की क्लासेस को, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को भी कहिए। मैं आरपी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सेठ जीएल बियाणी, एसटी लॉ पीजी कॉलेज, श्री गंगानगर। थैंक यू स्टूडेंट्स।